नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक के बारे में जान लेते हैं, जैसे फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। ये चैप्टर सेवन्थ में था एक बार, लेकिन हम लोग इसको जान लेते हैं। फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फिजिकल यानी कि भौतिक कोई चेंज होगा जो हमें दिखाई पड़ेगा, जैसे मान रासायनिक में कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, नाम से स्पष्ट हो रहा है। अब फिजिकल चेंज में कैसे होगा, जैसे साइज बदल जाएगा, जैसे उदाहरण के लिए कागज़ का टुकड़ा है, इसको हम लोग मोड़ दिए, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, ये सब साइज का इसका चेंज हो रहा है। और इसमें लिखा गया है कि टेम्परेरी चेंज है। अब जैसे इसको मोड़ा गया, उसके बाद फिर इसको सही कर दिया गया, यानी कि ये अस्थाई है, परमानेंट नहीं होता। और साइज में मुख्यतः इसमें भौतिक परिवर्तन में आएगा कि हमें जो चेंज होगा वो दिखाई पड़ेगा, जैसे कागज़ मोड़ा गया था दिखाई पड़ा कि छोटे से बड़े से छोटा हो गया या बड़े से छोटे से बड़ा हो गया। और इसमें केमिकल चेंज में परमानेंट चेंज होता है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस से गैस में बदल जाएगा या गैस से लिक्विड में बदल जाएगा, ये अवस्था में इसके परिवर्तन होता है। और दूसरा है, ये चार पॉइंट जो हैं ये केमिकल रिएक्शन के मुख्य पॉइंट हैं, इन्हीं से पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। जैसे अवस्था में चेंज का मतलब, जैसे सॉलिड था तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड था सॉलिड हो जाएगा, या गैस से लिक्विड में बदल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। रंग में परिवर्तन, जैसे रंग में, जैसे लोहे की रॉड रहती है उसमें जंग का लगना, पहले लोहा दूसरे रंग का रहता है, उसके बाद मूर्छा लगने के बाद, जंग लगने के बाद भूरे कलर का हो जाता है। और गैस का निकास, जैसे मान लो कागज़ को ही हमने इसको जला दिया तो इसमें से CO2 निकलेगी, इसको कह देंगे गैस का निकास हुआ है। और तापमान में परिवर्तन, अब इसको कागज़ को जलाने पर तापमान यहाँ का बढ़ेगा और इसका भी अगल बगल का तापमान बढ़ जाएगा। ये चार पॉइंट मुख्य रूप से केमिकल चेंज में रहते हैं। और केमिकल रासायनिक परिवर्तन ही हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं कैसे क्या होता है, उदाहरण फिजिकल चेंज में कैसे क्या होता है देख लेते हैं। जैसे कंडेंसेशन यानी कि जो भाप रहती है, भाप को ठंडा करने पर पानी बन जाता है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन का मतलब हुआ कि जैसे पानी रहता है गर्म करने पर भाप में बदलता है, ये सब उदाहरण इसी के हैं। बर्फ़ का पिघलना, इसमें बहुत सारे उदाहरण आएंगे। और इसमें केमिकल चेंज में कैसे आएगा, जैसे कागज़ का जलना इसमें आ जाएगा, मोमबत्ती का जलना हो जाएगा, और CNG का जलना, और भोजन का पचना, शरीर में हमारी जितनी रिएक्शन होती हैं वो सब केमिकल चेंजेस में आती हैं, रासायनिक परिवर्तन में ही सब होता है। आशा करता हूँ इतना समय में आ गया होगा। अब केमिकल जो हमारा टॉपिक है मुख्य, वो देखते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि मैंने बताया कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसको अब समझते हैं बढ़िया से। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, अब चार पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस का निकास या तापमान वृद्धि, और भी हैं लेकिन मुख्यतः केमिकल चेंज इन्हीं से पहचाना जाएगा कि केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक
क्रिया क्या होती है कि जैसे एक या एक से अधिक परमाणु या अणु मिलकर कोई एक से एक एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं, यानी कि एक पदार्थ से कोई नया पदार्थ बने, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन से, रासायनिक अभिक्रिया। जैसा मैंने पहले बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या किसको कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही, रासायनिक पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया, परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और लेकिन बढ़िया से डेफिनेशन लिखनी है तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिख देंगे जब एक या बोल दे रहा हूँ एक या एक से अधिक पदार्थ या परमाणु या अणु अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, निर्माण करते हैं तो उन्हीं को करते हैं उन्हीं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसको जैसे बताया है कि रासायनिक परिवर्तन की दर को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे पेपर में पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कुछ भी नहीं याद रहेगा तो सीधा हम लोग क्या लिख देंगे, रासायनिक परिवर्तन के दर को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नहीं तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण क्या होता है ये देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया होता समीकरण क्या होता है, इसमें रासायनिक समीकरण में दो रहते हैं कि जैसे एक या एक से पदार्थ से मिलकर जो बनता है, एक जिससे मिलकर बनता है और जो नया बनता है। देखिए एक बार, जैसे कि रासायनिक दो तत्व रहते हैं, जैसे मान लो कार्बन है ऑक्सीजन है, ये क्या बन जाएंगे, CO2 बन जाएंगे, इसी को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, अभिकारक। और इसको उत्पाद कहते हैं, उत्पाद, ठीक है। जो अब ये एक भी हो सकता है, जैसे इसमें दो से दो परमाणु हैं और मिलकर एक परमाणु बना रहे हैं, इसको अभिकारक कह रहे हैं, उत्पाद कह रहे हैं, यानी कि अभिकारक वो होगा जिससे मिलकर या टूटकर जो नया हमारा बनेगा उसको उत्पाद कहेंगे, और जो इससे बना है उसको अभिकारक कहेंगे। और इसमें डेफिनेशन सही से लिख लीजिए एक बार, जैसे ऐसे पदार्थ जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और इसमें उत्पाद में कैसे लिखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो नए प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है उसको उत्पाद कहते हैं, या जिनका निर्माण हुआ है उसको उत्पाद कहते हैं, नया पदार्थ। अब इसमें उदाहरण जैसे MG पेपर ले लेते हैं, एक पेपर ले लेते हैं जैसे, एक उदाहरण समझ में आ गए, एक उदाहरण से और देखते हैं, जैसे MG पेपर हो गया है, इसको हम लोग जला देंगे मोमबत्ती से जला रहे हैं O2 की उपस्थिति में हम लोग इसको जला दे रहे हैं, क्या है, MG पेपर,
के पेपर। तो इसका रिएक्शन होगा कैसे, 2Mg+O2 क्या बनेगा, 2MgO। अब इसमें ये अभिकारक है, ये जो बना है उत्पाद है, उत्पाद है, इतना समय में आ गया होगा। और भी उदाहरण है आपकी बुक में, और बहुत से उदाहरण हैं, देख लीजिएगा, समय में आ गया होगा कि ये जो बना है अभिकारक है, उसके बाद जिससे मिलकर बनेगा वो उत्पाद है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जो पेपर में फेमस उदाहरण है लोहे का जंग लगना कैसे होता है, वो लाओ एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे 3Fe+4H2O, ये पानी की उपस्थिति में लोहा है, पानी की उपस्थिति में ही नमी रहती है तभी लोहे में जंगाल लगता है या जंग लगता है, ये क्या बन जाएगा, Fe3O4H2O। ये इसमें क्या है, अभिकारक है, ये उत्पाद। आशा करता हूँ अभिकारक और उत्पाद स्पष्ट हो गया होगा। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन का मतलब हुआ कि संतुलित करना, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते थे कि मैथ में क्या रहता था कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर रहती थी, राइट हैंड साइड के, इसी तरह इसमें भी बैलेंस करना है। जैसे अब हमको बताना कि बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है, जैसे H2O+O2 ये क्या बन जाएगा, H2O, ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है, इसमें हाइड्रोजन के दो तत्व हैं ये ठीक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, इसमें केवल एक परमाणु है, इसलिए ये बैलेंस नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार लिखते हैं, अब बैलेंस कैसे होगी, जैसे यहाँ पे हम लोग को 2 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें, 4 हाइड्रोजन के अणु और 4 हाइड्रोजन के अणु और 2 ऑक्सीजन, ये 2 ये, यानी कि ये हमारी बैलेंस हो गई है। और अभी उदाहरण से समझते हैं, जैसे Mg+O2 ये बैलेंस नहीं है, क्या बन जाएगा, Mg O2 ये बैलेंस नहीं है, इसको O2 नहीं लिख सकते ना हम, बनेगा क्या, Mg+O2 है तो MgO बन जाएगा। इसको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, 2 यहाँ पे लगा दिया, मैग्नीशियम का 2 परमाणु हो गया और ऑक्सीजन का 2 ऑलरेडी है, उसके बाद यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, 2Mg का और 2 ऑक्सीजन, ये यानी कि बैलेंस है, ये अनबैलेंस है। अब इसको एक आधार पर और देखते हैं, बहुत से उदाहरण हैं कि जैसे कैसे बैलेंस होगी, इसको बैलेंस करने का इसे सही तरीका है कि पहले हम लोग मेटल को, इसको नोट कर लीजिएगा, पहले मेटल होगी बैलेंस, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन का अणु, उसके बाद ऑक्सीजन का, ये इस क्रम में बैलेंस होगी, यानी कि इक्वेशन हमको अगर दिखाई देगी और पेपर में कहा जाएगा कि बैलेंस कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग मेटल को करेंगे बैलेंस, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसको एक आधार दो प्रकार से ये भी होती है कि जैसे अभी मैंने इसको सूत्र लिखा है, सूत्रों के द्वारा इसको दर्शाया गया है, एक और होता है कि शब्द समीकरण, जैसे
उसमें शब्द लिखा जाए रहेगा कि जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, इस तरह हिंदी में शब्द के रूप में बैलेंस किया जाता है। और जो ये जो बैलेंस नहीं है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन नोट कर लीजिए, कंकाली कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण, जो बैलेंस नहीं रहती है उसको कंकाली समीकरण भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण किसको कहते हैं, तो जो बैलेंस नहीं रहती है उसी को हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग, ये नोट कर लिया होगा आपने, अब देखते हैं हम लोग शब्द के आधार पर कैसे होता है। जैसे शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण क्या होता है, यानी कि जो वर्ड के रूप में समीकरण होता है, जैसे लिखा रहेगा जस्ता सल्फ्यूरी कमल, सल्फ्यूरिक अमल, ये दोनों मिलकर ये अभिकारक हैं, अभिकारक क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, जिंक सल्फेट बनाएंगे, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस गैस निकलेगी हाइड्रोजन। इसको हम H2 नहीं लिख सकते, यहाँ पे शब्द समीकरण हो रहा है इसलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखेंगे। आशा करता हूँ ये शब्द समीकरण समझ में आ गया होगा। जैसे एरो से दर्शाया जाता है कि ये अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गया है। इसको शब्द में शब्द समीकरण समझ रहा है, शब्दों से समीकरण जो हुआ है उसको शब्द समीकरण कहते हैं। और सूत्र के द्वारा जो समीकरण रहता है उसको हमने पहले बता दिया है, एक बार देख लीजिए उसको भी। सूत्र समीकरण देख लीजिए, सूत्रों द्वारा समीकरण, सूत्र द्वारा समीकरण देख लीजिए एक बार। जैसे ZN H2SO4 जिंक और हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन जाएगा ZSO4, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको जब दर्शाया जाता है पूरा, मतलब इक्वेशन तब मानी जाएगी जब इसको सही से रिप्रेजेंट किया रहेगा। जैसे ZN इसमें क्या है, सॉलिड है, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है लिक्विड है जो हमारा सॉल्यूशन है, ये भी हमारा लिक्विड है जो बना है सॉल्यूशन। और H2 क्या है, गैस है, इसको गैस से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखा जाता है इसको इस तरह, एक बार देख लीजिए, इस तरह नीचे नहीं लिखा रहा था, मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया। जैसे सॉलिड रहेगा तो सॉलिड को S से डिनोट करेंगे, लिक्विड को L से, और गैस को G से, और एक्वेटिक रहेगा, कोई घोल रहेगा तो घोल रहेगा, घोल उसको AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसको एक बार सही से देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा। जैसे सही से इसको कैसे लिखा जाएगा, ZN इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, सॉलिड है ये, प्लस H2SO